फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। तो आज का जो ये वीडियो है ये ऑर्गेनाइजेशन पे है। चाहे घर छोटा हो या बड़ा हो, ये जो प्रॉब्लम है ये ऐसी है कि सबके साथ होती है। तो वो प्रॉब्लम है शूज या चप्पल्स या जो हमारे फुटवेयर्स हैं उनको स्टोर करना। तो ज़्यादातर लोग हैं जो घर के बाहर रखते हैं, कुछ लोग घर के अंदर रखते हैं, कुछ लोगों का चलता है अंदर बाहर कहीं भी चलता है। तो मेरे घर में भी ऐसा ही है कि मेरे फुटवेयर्स घर के अंदर होते हैं, मतलब मैं अपने अंदर ही घर के अंदर रूम में, सबके रूम में अपने अपने जिनके रूम के हिसाब से वहां रखती हूँ। तो सबसे पहला की जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जिस जगह पे आप वो काम करने लगे हैं, ऑर्गेनाइज करने लगे हैं जिस जगह को, आप उस जगह को पहले खाली कर लें, क्लीन कर लें, फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करें। चाहे आपको लगता है कि साफ ही है, बट फिर भी एक बार आप उसको पूरा क्लीन करें तो आपको माइंड में और आइडियाज आते हैं कि और मैं क्या कर सकती हूँ, और अभी खाली स्पेस मिला है तो उसको और दूसरे तरह से कैसे मैं कर सकती हूँ। तो चलिए पहले जो मैं ड्रॉअर्स पूरे खाली कर लेती हूँ तो मैं आपको पहले दिखाती हूँ स्पेस क्या है, कैसी है, तो आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, ये सारे मेरे हस्बैंड के शूज हैं, और ये ही नहीं और भी हैं जो कि मैंने थोड़े निकाल के बाहर रख दिए हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही थी किस तरह से एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट मैं ये सारे निकाल के बाहर रखूंगी और इस ड्रॉअर को पूरा खाली करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो दो ड्रॉअर्स हैं ये मेरे हस्बैंड के हैं। ये आप देखिए, मैंने उनके शूज़ कुछ निकाले हैं बाहर, अभी अंदर भी हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि रख कर आ रही हूँ मैं, ये दो ड्रॉअर्स हैं बस, ये इन्हीं में ही इनके शूज़ हैं, और इस तरफ जो दो ड्रॉअर्स हैं वो मेरे हैं। लेकिन ये ऊपर वाले ड्रॉअर में मेरे जो ब्लैंकेट्स वगैरह रखती हूँ, सिर्फ ये नीचे का एक ड्रॉअर है जिसमें मेरे फुटवेयर्स पड़े हैं। तो ये दोनों में इनके फुटवेयर्स हैं, और जिस तरह से ये रख रहे हैं उस हिसाब से ना तो वो पूरे आते हैं और बहुत ख़राब हो रहे हैं एक दूसरे पे। मतलब आप देख सकते हैं कॉस्टली शूज़ रहते हैं तो उनको जो है ख़राब हो जाते हैं, उनकी लुक चली जाती है, दब जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं इसको पूरा खाली कर लेती हूँ। खाली हो चुके हैं और मैंने इनको क्लीन भी कर लिया है दोनों को अच्छे से। तो मैं इसमें पेपर नहीं डालूंगी बिकॉज न्यूज़पेपर पे लिखा होता है और उसी पे जूते रखना, तो मुझे वो मेरा माइंडसेट नहीं हो रहा कि मैं ऐसे रखूँ उस पे। तो आप चाहें तो ब्राउन पेपर डाल सकते हैं, पर मेरे ड्रॉअर्स के अंदर मैंने पूरा सनमाइका लगा हुआ है। तो जो है अगर आप बनवा रहे हैं, ऐसा कुछ करवा रहे हैं, तो उसके अंदर भी अगर आप सनमाइका लगवा लेते हैं तो उससे क्या होगा कि आपको क्लीनिंग में बहुत आराम हो जाएगा, पेपर नहीं भी होने से प्रॉब्लम नहीं होगी। पेंट वेंट जो हम लोग करवा लेते हैं अंदर, उससे क्या होता है कि जो वो थोड़े टाइम में येलो होने लग जाता है और हम उसको साफ नहीं कर सकते। तो इसमें क्या, आप गीला कपड़ा मारो साफ हो जाएगा, और मेंटेनेंस फ्री है ये, बहुत वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। और पेंटिंग क्या होता है, हर 6 महीने में आपको कराना है, कुछ दाग लग गया, कुछ गिर गया तो उसमें निशान पड़ जाएगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए ये एक चीज़ हो गई, मैंने जो आपको एक टिप दे दी है, अगर आप इस चीज में सोच रहे हैं करवाने का तो आप ऐसा कुछ करवा सकते हैं किसी भी ड्रॉअर में, नॉट ओनली फॉर शूज, आप कहीं भी कैबिनेट्स के अंदर भी अगर करवाते हैं तो आप वो चीज जरूर करवाएं, बहुत बेनिफिट होगा आपको उसका। तो अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, वो है ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। गाइज, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि लिंक्स भी दे सकते हैं, तो इसीलिए मैंने कई वीडियोस में नहीं दिए, बट अब जब मैं यूट्यूब वीडियोस बना रही हूँ तो धीरे धीरे मुझे पता लगा कि ये सब भी होता है। जब जैसे जैसे लोगों ने लिंक पूछा तो फिर मैंने देखा कि कैसे लिंक सेंड करना है। तो सॉरी अगर मेरी कई चीज़ों में लिंक्स नहीं है, बट मैं अब मुझे समझ में आ गई तो मैं इसका लिंक ज़रूर आपको दे दूंगी। ये मैंने जब लिए थे तब ऑफर चल रहा था अमेजोन पे, तो ये मुझे काफ़ी सस्ते मिले, तो मैंने 4 डब्बे एक साथ मंगाए थे, एक बॉक्स में 6 थे ये, तो मैंने 4 बॉक्स मंगवा लिए थे और आई थिंक वो मुझे 1200 कुछ के पड़े थे चारों के चारों। बट अभी इसका प्राइस क्या है आई डोंट नो, कि अभी भी ऑफर चल रहा है, मुझे काफ़ी
पहले मैंने मंगवाए थे बट मैंने इसको यूज नहीं किया, ऐसे ही रखे हुए थे कि यार मतलब इतना टाइम नहीं हो रहा था कि मैं इसको लगाऊं, या मैं थोड़ा आलस भी मार रही थी तो अब। बट जब हस्बैंड भी परेशान हो गए और रोज मुझे बोल रहे हैं कि यार ये क्या है, बंद नहीं होता, खुलता नहीं है, ड्रॉअर खराब हो रहा है, तो मुझे लगा कि यार इसको निकाल के यूज करना ही चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें शूज रखने कैसे हैं। तो जैसे ये है, और इसका एक फायदा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये ले लीजिए एक शूज है, इसको जो है हम इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये एक शूज हो गया। दूसरा शूज है, मैं आपको बताती हूँ एक सेकेंड, वो जो है ऐसे आएगा, आप देख सकते हैं। तो इससे क्या हो गया कि दोनों शूज एक ही जगह पे आ गए हैं और एक के ऊपर एक लग भी नहीं रहा, दब भी नहीं रहा, शूज का शेप भी नहीं खराब हो रहा, शूज को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये आपको घर के कहीं भी जहां भी आप शूज ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं वहां रखते हैं ना, तो आपको मतलब इसमें आप लेडीज चप्पल्स का है, हाई हील्स है, कुछ भी है, वॉट एवर, आप इसमें बहुत आराम से रख सकते हैं। मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि लेडीज चप्पल्स में कैसे होगा। तो बस ये मैं इसी तरह से ये जो है ड्रॉर में इस तरह पूरा एक लाइन से लगा दूंगी जितने भी आएंगे, तो देखते हैं कि कितने शूज इनके आ जाते हैं इसके अंदर। मैंने इस तरह से लगा दिए हैं और एक ये जो है यहाँ पे 6 पीस आ गए हैं। तो इस तरह एक साइड पे मैंने जैसे ये शूज रखा है, तो इसी तरह से मैं सारे पेयर जो है वो सेट करके रखने लगी हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने रखे हैं और ये कितने अच्छे लग रहे हैं पड़े हुए। लाइक स्पेस थोड़ा खुला खुला है वो ड्रॉर के हिसाब से। इसमें मेरे ड्रॉर में 6 और 2, 8 शूज जो है पेयर जो इसमें पूरे आ गए हैं। तो इसी तरह नीचे के ड्रॉर में और 8 आ जाएंगे, तो मतलब 16 शूज पेयर जो है जेंट्स के, जेंट्स के शूज बड़े होते हैं तो मैं इसलिए आपको मेंशन कर रही हूँ कि 16 शूज पेयर जेंट्स के इसमें मेरे पूरे आ गए इतनी सी जगह पे। दूसरी तरह रखती तो और ज्यादा टूज देती, लेकिन अब भी जो है एक तरीके से पड़े हैं, ना तो शूज कोई खराब हो रहा है, ना कोई दब रहा है, और दिख भी रहा है कौन सा है, और पेयर भी साथ के साथ पड़े हैं। तो आप देख सकते हैं तो ये कितना अच्छा और साफ सुथरा लगने लग गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे वाला ड्रॉर है जिसमें मैंने बाकी के शूज़ रखे हैं, लाइक 1, 2, 3, 4, 8 ऊपर और 4 नीचे। तो वो स्टैंड्स में बस ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने दो एक पेयर ऐसे ही रख दिया, बट यहाँ पे भी अभी भी स्पेस है, और भी मैं रैक्स, वो शू रैक्स लगा करके और शूज़ रख सकती हूँ, और शूज़ ऐड भी हो सकते हैं। तो पहले इतने ही नहीं पूरे आ रहे थे, अब सारे पूरे आ गए और जगह भी बच गई मेरे पास। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है और कितना ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है, और आपके हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे देख के कि कितने अच्छे से मेंटेन करके रखे हुए उनके शूज। ये मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि इस तरह से जो लेडीज की चप्पल है वो इस तरह लगेंगी, इसमें हाई हील्स हैं या फ्लैट हैं, तो जैसे भी हैं आप इसमें बहुत आराम से लगा सकते हैं। तो आपने देखा कि कितना अच्छा लग रहा था और कितना ऑर्गेनाइज्ड लगने लग गया। तो बस आप भी ये कर सकते हैं और ज़रूर ट्राई भी करिए इस चीज़ को, और इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, अमेज़ॉन में आपको ये मिल जाएंगे। और ज़रूरी नहीं कि ड्रॉअर में ही रखें, मेरे पास ये स्पेस थी, आप किसी भी अलमारी में कहीं भी शेल्फ्स हैं या शू, इवन शू रैक्स भी होते हैं, जो शू रैक में भी अगर आप इस चीज़ को रखेंगे तो आपके शूज़ और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और स्पेस आपकी बचेगी। जैसे आपने देखा पहले कितना टाइट था और अब कितनी स्पेशियस हो गया था, और भी शूज़ आ जाएंगे इसके अंदर। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग बॉदर नहीं करते, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें यही होती हैं घर की। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो अरे यार चप्पल नहीं मिल रही, अरे यार गंदी हो गई, अरे यार प्लीज़ इसको पॉलिश करके दो, या फिर इसकी शेप ख़राब हो गई है, इतनी महंगी चप्पल थी मेरी, तो उन सब चीज़ों से आप बचेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी। बाय।